लगातार देश रोजाना की चुनावी एक्सप्रेस फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा में जा रही है और लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार किसका माहौल है। फिलहाल अभी पहुंचे हैं 86 विधानसभा NIT में और यहां लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि यहां किसका माहौल है, कौन सी पार्टी के लिए यहाँ की जनता का मन है और यहाँ अभी तक कितने विकास हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं ध्वज में, ध्वज की जनता से जानेंगे कि ध्वज की जनता के दिल में आखिर क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। तो चलिए मेरे साथ, क्या नाम है आपका? दाऊद खान। पता है कि ध्वज में क्या चीज की कमी रह गई है, जो नई सरकार बने या दोबारा से नीरज शर्मा विधायक बने तो वो कमी पूरी हो जानी चाहिए? हमारे जो स्कूल है 10वीं तक नहीं है, लेडीजों के बच्चों के ये 10वीं तक करवाएंगे वो, और बाकी बहुत से काम है हॉस्पिटल में, जो हमारे को अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है सरकारी है, जो उसमें वो सरकारी अस्पताल है यहाँ? हाँ है, लेकिन मशीनें नहीं है। मशीनें नहीं है, वो सब चीज़ कराएंगे वो। अच्छा, मशीनें नहीं है, एम्प्लॉय है? हाँ है, डॉक्टर्स हैं। अच्छा, और क्या? और तो जब बन जाए, की बात करें तो ध्वज की कैसी है? सड़कें वड़के सही है, अब ठीक है। बाकी और जो कौन सा इलाका लगता है ये गाँव ध्वज है, 1988। ध्वज की बात करूँ तो कितना विकास हुआ है ध्वज? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ ना पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा है, ना रास्ता की सुविधा है। अच्छा। और सड़क में इतने इतने गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई सुविधा ही नहीं किसी भी चीज़। नीरज शर्मा विधायक रह चुके हैं यहाँ के, निवर्तमान विधायक हैं, कभी आए यहाँ? आते तो हैं लेकिन वो उनकी चलती तो है नहीं, आगे सरकार तो सेंटर में और कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अस्पताल वगैरह कैसे हैं? अस्पताल में तो कोई सुविधा ही नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दवा टाइम पे नहीं मिलती है, कोई डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलते हैं, और कोई सुविधा ही नहीं है किसी भी तरीके से। कोई बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है सरकारी? नहीं, कोई स्कूल नहीं है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ ध्वज का? विकास नहीं है, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हुई पड़ी है, वो कभी भी बच्चे दबकर मर सकते हैं। बदलाव हो जाए? देखो जी, उम्मीद तो है, अगर सरकार बदलती है तो उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकनुद्दीन है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते हैं आप? मैं पाली से सोना तक। पाली से सोना तक? NIT विधानसभा में ही लगता है ये? हाँ। कैसी सड़कें हैं यहाँ की? मैं सड़क तो ऐसी है जैसे आप देख रहे हो। आप थोड़ा सा बता दीजिए, हमने तो देख लिया, आप बता दीजिए कैसी है। ऐसी है सड़क वड़क तो। अच्छा, क्या लगता है आप सब में घूमते हो, कितना विकास हुआ है यहाँ का ध्वज का? किस चीज़ का? मतलब कि विधायक जी ने, जो विधायक थे यहाँ के, कितना सुधार दिया है ध्वज? जी कहाँ सुधार दिया है? ना सुधार है। ऐसे ही है जैसे है। अच्छा। ऐसे ही पहले ऐसे ही, अब अभी कहाँ बदलाव नहीं है? है? कोई बदलाव नहीं है, हमें तो दिख ना रहो। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कौन विधायक बन रहा है? सरकार तो अभी 2 दिन और बाकी है, जब पता लगेगी। NIT से किसका जोर लग रहा है? 2 दिन बाकी है बस, उसके बाद हम बता देंगे अभी कंफर्म पक्की कौन है। अच्छा। वैसे वोट यहाँ कांग्रेस की है। वोट कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस की राज्य विकास नहीं हुआ? बेशक मत हो, लेकिन वोट है कांग्रेस की। अच्छा, टक्कर किस किस की है कांग्रेस के सामने, कौन? अब ये तो बताते रहूं, 2 दिन बाद पता लगेगा। जैसे होता है ना कि बीजेपी कांग्रेस, इनेलो कांग्रेस, ऐसे कौन लड़ रहा है? बीजेपी झाकी ना वोट मांगने को। सतीश मांगना नहीं है? नहीं, सतीश मांगना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नहीं, आए ही नहीं, आए ही ना, प्रचार नहीं, जब आए ही नहीं कुछ भी तो प्रचार कैसे मान लेंगे हम? कितने वोट हैं ध्वज के, लगभग कितने होंगे अनुमान? भाई यू पता, लड़की मारी, किसने मारी? बीजेपी ने। अच्छा। और पुलिस ने खींच खींच के मारी है, बाबा में पहलवान को थोड़े अब ले कैब करें या ना, नोट नोटंकी वामा करिए तो तेरे ये सुसरे नोटबंदी में, और कहा थोड़ो थोड़ो काम करो या ना, यानी कहाँ करो या ना, कुछ भी ना करो या ना, कहाँ काम करे या ना बीजेपी ने। अच्छा। कुछ ना करो या ना, सिवाय मारने के और मूंदने के और कुछ नहीं करो या ना। और कोई रोजगार दिया इसने आज तक? कोई रोजगार दिया? बताओ कितना विकास हुआ है? विकास बहुत, सारा विकास कांग्रेस का है हमारे यहाँ पे, टोटली विकास। ये जो रोड पास हुआ ये कांग्रेस का है, जितने आप रोड अंदर जाओ, हमारे गाँव में जाओ अंदर, जितने रोड बने हुए हैं यहाँ पे, सरकार स्कूल बने हुए हैं, अपने यहाँ बरात घर बने हुए हैं, सारे कांग्रेस से कराए हैं। अस्पताल भी बना हुआ है? जी मैम, बना हुआ है, जाके देख लो, कांग्रेस के राज का ही है। 5 साल खा के हम क्या करें? अस्पताल में मशीनें नहीं, बीजेपी का था यहाँ पे, नगेंद्र बढ़ाना
पाँच साल में खा गया सिस्टम था। बिल्कुल था, उनकी सत्ता थोड़ी थी। और किसकी थी मैम? मैम पाँच साल तो कांग्रेस पार्टी रही नहीं है मैम, उससे पिछले कहाँ 10 साल से कांग्रेस पार्टी है नहीं यहाँ पे। विधायक तो कांग्रेस के थे, उसके पास क्या रखा, क्या रखा उसके पास? जब वो उसके पास पावर ही नहीं है तो वो क्या करेगा ये बताओ। मैम सत्ता में जो बैठा है उसकी पावर होती है? नहीं नहीं मैम, मैम एक बात बताओ, जो जीता हुआ है ठीक है, उसकी पार्टी उसकी है नहीं, पावर उसकी है तो क्या कर लेगा? जब पार्टी होगी उसके पास पावर होगी तो भी तो काम। अगर अच्छा एक मिनट, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे इस लाइन के लिए, ये रोड है हमारा, ये 4 लाइन बना हुआ है, इसको 8 लाइन पास कराना था, तो कृष्णपाल गुजर से बोला रही शर्मा ने कि भाई ये पास कराना है, उन्हें साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दी भाई? अरे विकास हो रहा तो करने दो ना, क्यों नहीं करने देते? नाराज हो बीजेपी से? अरे मैम सिंपल सी नाराज में क्या है मैम, जिसका सत्ता में पार्टी होती है ना वो चाहता विकास होता है, अदरवाइज तो MLA तो जीता हुआ है यहाँ से, बट उस सत्ता में है ही नहीं तो करेगा क्या? बट उसने कलोनी में अपने गांव के जो भी रास्ते हैं मैम, देखो आप कब्रिस्तान की तरफ जाओगे मैन मैन रास्ते बने हुए हैं, कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं है जो नहीं बना हो, तो जीती हुई पार्टी करनी। आपका एक रास्ता ये बता दो, यहाँ से दोहसा टिकट खेड़े की तरफ जा रहा है नीरज शर्मा ने, अभी वो पास करा दिया है, लेकिन अभी हुआ है ना, इलेक्शन से पहले हुआ है, इलेक्शन से पहले हुआ, लेकिन काम कब होगा? उससे पहले भी हो सकता था, हो सकता था, बट ये मैं कह रहा हूँ सप्ताह में तो वो बैठे हैं ना कृष्ण पाल, हर चाहते थे देखो नहर पार तो सारे काम हो रहे हैं, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो सत्ता में पार्टी होती है ना, जैसे नायब सैनी जी थे उससे पहले खट्टर जी थे, अब पता है इसकी तरफ अगर वो चाहते तो विकास होता है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पाल के हाथ में नहीं है कुछ भी, आप नहर पार इतने आप जाके देखो माहौल ऐसा लगा आप चंडीगढ़ में घूम रहे हो, इतना माहौल लगता है, नहर पार जाके देखो आप, इधर कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया लोगों ने, सब ने कांग्रेस तरफ रुख कर लिया। मैं तो ये तो नहीं कह रहा 100% होगा, 90% वोट यहाँ से यही है। NIT विधानसभा में कितना काम हुआ है? काम ही ना हुयो, ना हुयो, क्या कमियाँ रह गई हैं? कोई काम ही ना हुयो, पब्लिक सेवा कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ तो हुयो ना, BJP सरकार में विधायक कांग्रेस को, विधायक कांग्रेस को, सरकार सेंट यहाँ BJP की, काम क्यों क्यों कहीं कोई बोली। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सैनी की सरकार है BJP की सरकार है और विधायक कांग्रेस का था इसलिए काम नहीं हो पाया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो कभी विधायक जी आते हैं यहाँ पर? हाँ हमें। अच्छा हमें विधायक क्यों ना आते? क्या बड़ा मुद्दा है अगर मैं ध्वज की बात मान सुनूं कहूं तो, मतलब ध्वज में ऐसी क्या समस्याएं बड़ी हैं जो मतलब कोई भी विधायक आए तो सबसे पहले उसका समाधान कराए? नहीं कोई ऐसी समस्या ना ध्वज में, सब ठीक है ध्वज में? हाँ सब ठीक है, सब स्कूल कॉलेज अस्पताल सब है, सब चीज है, पर लेकिन सहूलियत ना कुछ भी, मतलब खाली बिल्डिंग से दिखावा है, दिखावा, अंदर कुछ नहीं है, अंदर अंदर कुछ नहीं। चलिए कॉलेज वगैरह है कोई बड़ा यहाँ पे? नहीं कॉलेज ना, प्राइवेट कॉलेज है अलफला, गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं। कहाँ जाते हैं गरीबों के बच्चे, कहाँ पढ़ने जाते हैं? भाई गरीबों के बच्चे अपने कोई फरीदाबाद चलो जाए, कोई नुहू चलो जाए, कोई बल्लभगढ़ चलो जाए, मतलब दूसरे क्षेत्र में जाके करते हैं। अम्मा ध्वज में कितना विकास हो गया, कितना सुधार हुआ है? मैंने कहा कह रही हम तन पड़ गंवार, हमारे समझ में बात ना बैठ रही। मैं ये कह रही हूँ ध्वज में सड़के पानी कैसा है, माहौल कैसा है ध्वज का? जब हम रह रहे हैं ध्वज के हैं तो हम तो बढ़िया ही माहौल बताएंगे। नहीं माहौल चलो ठीक है, है ना, हम गलत माहौल कैसे बताएंगे? पानी वाणी सही आ रहा है, बोर लग रहे हैं भाई, बोरन कोई पानी है? अच्छा। कोई टंकी वंकी तो अभी आई ना उरे ठेंटी वेंटी तो, कोई सरकारी टंकी वगैरह? ना ना कुछ ना भाई। अच्छा बोर लगा रहे हैं और अपने पी रहे हैं पानी, मोटर खराब हो जाए फूक जाए तो अपनी बंधवा 2,500 रुपया में। अच्छा सड़कें कैसी हैं? सड़कें कैसी हैं? सड़क ऐसी हैं जैसे अब तू जा रही है, टूट भी रही हैं बन भी रही हैं, नू लो से तो बहुत ही बुरी खराब हो रही है। अच्छा सारे रोड टूटे ही पड़े हैं। विधायक आते हैं कभी? नीरज शर्मा, नीरज शर्मा को जानती हो? हाँ जाना शर्मा तो जानते हो। हाँ कभी मिली हो? भाई देखनो तो अंदाज ना मिलने की, तो नहीं शर्मा है तो जाना। अच्छा देखा है कभी? हाँ देखो देखा है। हाँ अच्छा कभी कोई परेशानी वगैरह कभी उनके सामने रखी कि भैया हमारे यहाँ ये परेशानी है ये समाधान करो? आज जब आयो ही ना बेटी हीन तो आयो ही ना भैया।
करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ मैम, यहाँ पर परेशानी ही परेशानी है। यहाँ कोई मंत्री नहीं आता है, जब ही आते हैं जब उनको वोट लेना होता है। अच्छा। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है। ये जो रोड है फतेहपुर रोड, इस पे गोले गोले पानी भर जाता है। ये सारी गंदगी यहाँ है, जिस गंदगी को हम बर्दाश्त करते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं देखने आता, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी नीरज शर्मा भी आएंगे और मतलब नगेंद्र भडाना है, सतीश फागना है और अपना ये करामत अली है, ये सब आ रहे हैं फिलहाल तो वोट मांगने के लिए। लेकिन काम कुछ नहीं करा है नीरज शर्मा जी ने। अब ये गंदगी है, यहाँ मच्छर खाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, क्या करेंगे। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ सड़क भी है टूटी हुई है, गोले गोले पानी भर जाता है। यहाँ कोई विकास नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी नहावे, डांठो लगा लगा के खानो पकावा, खाने ना खावा। अब बताओ बेटी, हम या दाग में कहाँ जावा, है ना। कितने कितने बुरो हाल हुयो, पड़ो ही तक पानी चढ़ जा घोटान में, नु चढ़ा चढ़ा के नहीं जब निकल रहे हैं। भैया क्या करें, जब कोई मजबूर हैं, जब हम सुख हो रो यू। बेटा यही कह रहे हैं, हमारे एक कच्चे कच्चे घर गिर जा में हैं और पानी भर जावे, देखिए क्या गंदी हो रही है। हमको रोज बुखार चढ़ता, कहाँ से दवा ला। हम विधवा हैं, बच्चा है, बीमारी के जड़ है, डेंगू मलेरिया सारी मच्छर बस। तो अब तुम देख लियो तो बेटा कहाँ हाल हो रहा। सरकारी अस्पताल भी ना है, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है माता जी आपका? अनीसा नाम है मेरा। कितनी तरक्की हो गई आपके गाँव में? कहाँ इधर को तरक्की वरक्की अभी हुई ना। क्या क्या परेशानी है? परेशानी या मैं पानी भर जाया खेत में। अच्छा। ये घर बनाया हो या घर के गिरने को डर है या मैं अभी पानी सूखो। ये सड़कें ऐसी हैं आज। और ये रास्ता बनी ना रहा, हमने यहाँ में ईंट पत्थर मट्टी वट्टी गिर गिर के इतना बनो, आप ही गिरो है। विधायक कौन है? विधायक तो हमारा जो है वो है नीरज। परेशानी बता दी और जो मीडिया वाले भी बुलवा दिए तुम्हारी तरह, और दिखा के भी गए, पानी भी देखो अब जब भरा हुआ हो। अच्छा, बरसात में बुरा हो जाता है। हाँ, अच्छा। हाँ, कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान अभी ना हुयो। करवा तो कही है नो कह मुफ सरकार ना, अभी मुफ सरकार ना। हाँ, हमारी तो यू गली बन जावे और ये पानी की रोक हो जावे। बीजेपी तो सिलेंडर सस्ता कर रही है, क्या कहोगी? बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, कांग्रेस भी 500 को कर रही है। क्या लगता है हो जाएगा सस्ता? ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं तो पता पड़ेगी। अभी चल रहा है अभी तो काम, अभी तो कई कह तो रहे हैं सब। कौन सी मार्केट है? सिरोय मार्केट है। NIT 6 विधानसभा लगती है, NIT की विधानसभा ये? हाँ। अच्छा, NIT। क्या लगता है नगेंद्र भड़ाना कितने मजबूत है NIT से? बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। हाँ जी। क्या लगता है बन जाएंगे विधायक? हाँ जी बन जाएंगे। करामत अली की बात करें तो कैसा रिस्पॉन्स है करामत अली का? करामत अली कुछ जोर ना खास, कोई जोर ना, शहर में ये बात होती है, गाँव में बहुत कम है। यहाँ तो नीरज और नगेंद्र, नीरज और नगेंद्र। हाँ, करामत अली का कोई जोर नहीं है? ना इधर जोर ना, यहाँ जोर ना। और सतीश फागना बीजेपी से? वहाँ को नाम ही ना है हमारे इलाके में, टुकड़ा साफ है यहाँ हरियाणा के अंदर। जानते हैं क्या सतीश फागना को? हाँ, आए अभी यहाँ प्रचार के लिए? ना, हम देखो ना, नहीं देखे आते नहीं। बीजेपी के बारे में दो बातें। अच्छा जी, बताओ। बीजेपी जो पार्टी है, मतलब मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति है ना, उसकी कीमत नहीं समझती। अच्छा। एक बात बोलते हैं ना, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटिया गई, हैं बच्चों की चोटियां चली गई, कुतुब मीनार जैसी चोटियां थी चली गई, और फिर इनको सवरना आया, बोले कि एक ही जान तो है, चली गई तो क्या हुआ, हैं उनसे पूछो जिनके घर की रोटियां चली गई, हैं। आज मैं देख रहा हूं कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार कहां खोई हुई है, सरकार कहां खोई हुई है। मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर इन लोगों ने नारे दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे दिए इन लोगों ने, आज आप देख रहे हो कोलकाता रेप केस के अंदर क्या हुआ है, कहाँ बेटियाँ सुरक्षित है हमारी, आप देखेंगे कहाँ पे है। और बड़े वादे किए हैं, सारे वादे खोखले हैं, बातें नकली है, जितनी बातें इन लोगों ने बताई है। एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।